हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितु व्यास। आज हम बनाने वाले हैं घर पर बहुत ही आसान विधि से ऐसा चूल्हा जो सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। जब आप इस चूल्हे को एक बार टेस्ट करेंगे तो आई होप कि आप इसको बार बार बनाना और खाना पसंद करेंगे। चलिए जल्दी से चूल्हे बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में बेसन लेंगे। जब भी आप बेसन का यूज़ करें इसे पहले अच्छे से छान लें। नाप से यदि हम देखें तो हमने 2 कटोरी बेसन लिया है। अब हम इसमें छोटी कटोरी से आधी कटोरी सूजी डाल देंगे। सूजी डालने से ये चूल्हे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम इसका एक बैटर कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका बैटर बनाना है, जिससे बेसन में एक भी लम्स नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसका एक बैटर बनाया है। बैटर को हम इतना पतला रखेंगे क्योंकि सूजी पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम इसमें वेजिटेबल मिलाएंगे। इसके लिए हमने बारीक कट किए हुए प्याज लिए हैं, बारीक कट किए हुए टोमेटो, बारीक कट की हुई शिमला मिर्च, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मिर्च को भी हमने इस तरह से बारीक हिस्सों में कट किया है। अब हम इसमें और मसालों को डालेंगे। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और चिल्ले दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और चिल्ले का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब हम इन सभी को बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। सूजी अच्छे से फूलने के बाद यदि हम चिल्ले बनाते हैं तो वो चिल्ले टूटते नहीं हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बैटर बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इसी तरह का आपका बैटर होना चाहिए। चीला बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है। पैन को हम हल्का सा गर्म होने के बाद इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। पैन अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से बैटर को डाल देंगे। जैसे ही हम इस तरह से बैटर को डालते हैं, बैटर अपने आप ही सेट हो जाता है। जितना पतला आपका चीला रहेगा, ये खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। अब हम चीले के ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल डाल देंगे, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाएगा। जैसे ही चीला ऊपर से हल्का सा ड्राई हो जाता है, उस समय ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे। यदि हम इससे पहले इसकी साइड चेंज करेंगे तो चीला टूट सकता है। आप देख सकते हैं चीला ऊपर से अच्छे से ड्राई होने के बाद अब हम इसकी धीरे से साइड चेंज कर देंगे। यदि इसकी साइड चेंज करते समय चीला हल्का सा टूट जाता है तो आप इसको सेट कर सकते हैं, या आप हल्का सा बैटर को गाढ़ा कर सकते हैं। इसी तरह से हम सभी चीले बनाकर कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगे। इस तरह से आप घर पर चीले बनाइए और हमें कमेंट्स करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।